વડોદરામાં ઓલ ઇન્ડિયા વાડુકાઈ કરાટે દો એસોસિએશન દ્વારા 20મી WKI ઇન્ટરનેશનલ કરાટે ચેમ્પિયનશિપનું સમા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિજેતા થયેલા ખેલાડીઓને આજે સિહાન સુમન તલવારના હસ્તે શિલ્ડ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. ઓલ ઇન્ડિયા વાડુકાઈ કરાટે દો એસોસિએશન દ્વારા સમા સ્પોર્ટ્સ ખાતે આયોજન કરાયું, જેમાં સિહાન સુમન તલવાર ઉપપ્રમુખ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે સમાજ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે અંડર 14માં 450થી વધુ ખેલાડીઓને 6થી 13 વર્ષના બાળકોએ ભાગ લીધો હતો, જેમાં ખેલાડીઓએ પરફોર્મન્સ કર્યું હતું અને ફિલ્મી સ્ટાર સિહાન સુમન તલવાર હાજરી આપી હતી અને તેઓના હસ્તે ખેલાડીઓને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઇન્ટરનેશનલ સ્પર્ધામાં લગભગ તમામ દેશોના 500 જેટલા સ્પર્ધકો દ્વારા ભાગ લેવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં સિહાન સુમન તલવારે જણાવ્યું હતું કે હાય સર, નમસ્તે, ગુડ ઇવનિંગ. સો આજ મેં ઇધર વડોદરા મેં હું, આપકો માલુમ હૈ આજ યે ઇન્ટરનેશનલ ટૂર્નામેન્ટ હૈ. સો સબસે પહેલે મેં સિહાન રાજેશ અગ્રવાલ જી કો ધન્યવાદ દેતા હું, ક્યોંકિ યે ટૂર્નામેન્ટ જો આજ હુઆ રહા હૈ, જી સ્ટાર્ટેડ, ઇઝ અ વેરી ડિફરન્ટ ટૂર્નામેન્ટ. યે ડિફરન્ટ કા મીનિંગ ક્યા હૈ કિ જેપેનીઝ માસ્ટર્સ ઓર ટોટલ 18 લોગ આયે, 8, ધીસ ઇઝ અ હિસ્ટ્રી સર. कहाँ भी इतना लोग नहीं है, कभी कभी दो लोग तीन लोग ऐसे आते हैं, तो 18 लोग हैं. ऑल द 18 आर ऑल देर ऑल लेजेंड्स, है ना, मार्शल आर्ट में देर ऑल लेजेंड्स. सो यहाँ का जो क्वालिटी है और यहाँ सियान राजेश अग्रवाल का ऊपर जो भरोसा है, इसके लिए वो लोग आए हैं. एंड कल स्टार्ट किया, सेमिनार किया, बहुत अच्छा सेमिनार किया. एंड कल आखिरी क्लोजिंग है इसका, एंड वेरी गुड रिस्पॉन्स वी गॉट फ्रॉम श्रीलंका. जयसूरा पेरेरा जी हैज कम. सो द बेसिक क्या है कि इसी मार्शल आर्ट का मीनिंग बहुत मीनिंग है. वन इज सेल्फ डिफेंस एंड द सेकेंड थिंग इज कैरेक्टर बिल्डिंग. एंड आजकल क्या होगा आपको मालूम है कि सिक्योरिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेडीज़ के लिए. तो जितना सिक्योरिटी रखने के फिर भी रेप केसेस मोलेस्टेशन सब चल रहा है, तो देर इज़ नो पॉइंट ब्लेमिंग पुलिस और गवर्नमेंट एंड ऑल दैट्स. तो खुद हमारा सेल्फ डिफेंस हमारा बच्चों के लिए हम थोड़ा सिखाना है. तो फर्स्ट मैं तो अभी फोकस कर रहा हूँ कि गर्ल्स के लिए, मतलब स्कूल गर्ल्स के लिए फ्रॉम 6th क्लास मेक इट मैंडेटरी मार्शल आर्ट्स, क्योंकि उनका माइंड में तो बहुत है कि मैं म्यूज़िक सीखूँगा, डांस सीखूँगा, पढ़ूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, बट वॉट अबाउट सिक्योरिटी? सिक्योरिटी कौन देगा उन लोगों को? सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसीलिए मैं पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँ, जो आज पेरेंट्स है इधर और जो बच्चों का आज भेजा है, आई हार्टली कंग्रेचुलेट दम, क्योंकि उन लोग बहुत अच्छा काम किया है कि बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजा है इतना छोटा उम्र से. और दे आर ऑल वाइट येलो ग्रीन बेल्ट्स, विच मीन्स स्टैंडर्ड है उन लोगों को. और बाय द टाइम जब वो टीन एज में आएगा, दे विल बी वेरी फिट, स्पेशली गर्ल्स ऑल्सो, बॉयज़ ऑल्सो, क्योंकि बॉयज़ में भी अटैक हो रहा है, ये सब हो रहा है. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. सो ये कॉलेज में भी कंपलसरी होना चाहिए, इसके लिए मार्क्स भी देना चाहिए, और अगर नहीं अटेंड किया तो थोड़ा मार्क्स कम करना चाहिए. बिकॉज बेसिकली आई एम फीलिंग सर, सिक्योरिटी इज़ बिकमिंग डे बाई डे, इट इज़ बिकमिंग वेरी बैड. और पुलिस लोगों को बहुत मुश्किल है, वो प्रायोरिटीज़ होता है और किसको पकड़ना है, क्या करना है. इवन फोर्स ऑल्सो कम है, पुलिस स्टेशन में कम है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है. इसीलिए वो प्रॉब्लम के बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं, हमारा फैमिली को हम बचाएंगे, है ना, कोई सामने घर के पीछे के घर में हुआ है नहीं, एवरीबॉडी इज़ इम्पोर्टेंट. सो सेल्फ डिफेंस उस इसमें आते हैं. मैंने तो अभी ये मेरा 50th ईयर है मार्शल आर्ट में, मैं 11 साल से शुरू हुआ. मैं एक्चुअली बॉर्न ब्रॉट अप इन चेन्नई, तो उधर वेरी सीनियर मास्टर रंशी RVT मनी, जो पुलिस लोगों के लिए पहले उन्हें स्टार्ट किया था मार्शल आर्ट, उनसे मैंने सीखा. उसके बाद ग्रैंड मास्टर नरसिम्हन इंडियन कराते, फिर तो जूडो राजगोपाल, उसके बाद में आई केम टू छोटाकान कराटे. छोटाकान कराटे इज़ लाइक वन ऑफ द लीडर्स, जस्ट लाइक हाउ वी आवर वाड़ोका इज़ देयर. तो मैंने एक्चुअली कॉलेज के टाइम में मैं मास्टर भी हुआ और आई वॉज ऑल्सो लर्निंग ऑल्सो. तो 18 साल में मुझे एक टूर्नामेंट में ऐसे मैं गया था, उधर एक प्रोड्यूसर मुझे देख के मुझे फिल्म को ऑफर दिया 1977 में. और पिक्चर में तो मुझे एक्टिंग मालूम नहीं था, मुझे खाली एक्शन मालूम था. तो मैंने कराटे स्किल को दिखाया, तो कराटे सुमन बोल के एक नाम आया मुझे फील्ड में. उसके बाद मैंने एक्टिंग सीखा और फिर अभी 50 इयर्स हो गया. एंड मार्शल आर्ट मेरा पर्सनल लाइफ में, क्योंकि हर व्यक्ति को क्या है ना, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होता है,
क्या क्या केओस होता है, ऑल दैट इज देयर, वो सब कंट्रोल में रखने के लिए और कुछ आगे सोचने के लिए मार्शल आर्ट इन माई लाइफ हैज प्लेड ए वेरी बिग रोल. ओके, नो बैड हैबिट्स, कीपिंग फिट, कीपिंग हेल्दी एंड बींग फ्रेंडली, पेशेंट, और बड़े मतलब माँ बाप को हम मर्यादे देना, भाई बहन को मर्यादे देना, दैट लव, अफेक्शन, रिस्पेक्ट टू लेडीज़, ये पूरा मैंने मार्शल आर्ट में सीखा. जो माँ बाप और स्कूल कॉलेज जो नहीं सिखाता है वो मार्शल आर्ट सिखाता है सर हर व्यक्ति को. ये वेरी इंपॉर्टेंट है सर. स्कूल में कॉलेज में क्या पढ़ाई सिखाते हैं, नमस्कार सिखाते हैं बस, घर में प्यार देते हैं और कुछ, बट मार्शल आर्ट में जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाते हैं वो इधर सिखाते हैं लोग. एंड दे कैन गो अलोन, अकेला, होल वर्ल्ड दे कैन गो अलोन, मेंटली दे आर फिट, फिजिकली दे आर फिट. सो आई एम कमिंग हियर टू प्रमोट बिकॉज शियान राजेश इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई एंटायर टीम कॉलेज. हर वक्त उनका जो टूर्नामेंट होता है बहुत ज़बरदस्त होता है, बेहतरीन होता है, तो इसीलिए मैं आया हूँ. कल भी रहूँगा, फिर डेफ्ट टुमारो आई एम गोइंग. सो आई विश द टूर्नामेंट ऑल सक्सेस एंड अवर प्रेजिडेंट सुमंत अलवा, सॉरी श्री बालकृष्ण शुक्ला, बालकृष्ण शुक्ला जी को स्पेशल थैंक्स बिकॉज उन्हें इतना बिजी टाइम में भी यस गवर्नमेंट गिवन लॉट ऑफ सपोर्ट. इसमें क्या है ना, अभी मेरा एक ही है कि सपोर्ट चाहिए मार्शल आर्ट, वी नीड सपोर्ट, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, लेकिन इसको नोबडी इज लुकिंग इनटू इट. बाकी सब देख रहे हैं ऐसे, बाकी सब आप देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट. अनलेस यू आर फिट, अनलेस यू आर प्रोटेक्टेड, बाकी सब हाउ कैन यू डू ऑल द अदर थिंग्स सर. स्पोर्ट्स है, मैं स्पोर्ट्स को कोई मैं आई एम नॉट इंसल्टिंग, बट बींग अ स्पोर्ट्स मैन कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू कैनॉट. अगर कोई लड़ाई हुआ, कोई रोड में कोई गुंडा आया, तो आप बोलो कि मैं ये प्लेयर हूँ, मैं वो खिलाड़ी हूँ, वो नहीं छोड़ेगा, वो अटैक करेगा, वो जिसके लिए आया उसके लिए वो अटैक करेगा. तब आपको मालूम होगा ये वो मार्शल आर्ट मालूम नहीं है, अगर मार्शल आर्ट सिखाया है तो आई वुड नॉट हैव फेस दिस प्रॉब्लम. सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लर्न मार्शल आर्ट. मैं कराटे हूँ तो कराटे सीखो नहीं बोल रहा हूँ, यू लर्न जूडो, ताइक्वांडो, सो मेनी थिंग, प्लीज़ लर्न मार्शल आर्ट. एस्पेशली पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, आपके जो घर में जो बच्चे हैं उन लोगों को मार्शल आर्ट सिखाइए, लेट देम बी प्रोटेक्टेड, एंड आप भी, आपको मेंटल टेंशन नहीं होगा. लड़की बाहर जा रही है, काम के लिए जा रहे हैं, पढ़ रही है, कोई टेंशन नहीं होगा, बिकॉज दे विल बी फिट टू फाइट एनीथिंग. एंड लाइफ में भी जो बाद में कोई प्रॉब्लम आएगा, दे कैन ऑल्सो फाइट आउट दैट, डिसिप्लिन आएगा, कैरेक्टर आएगा, एवरीथिंग विल बी देयर. सो थैंक यू वेरी मच माई डियर फ्रेंड्स, एंड होप ऑल ऑफ यू विल सपोर्ट दिस पर्टिकुलर इवेंट कल और आज और फिर परसों भी है.